सुबह 5 बजे से चल रहा है भंडारा, 2500 आदमी खा लेगा एक बार में। तो भाई ये देखो इतने बड़े लेवल पे काम चल रहा है। भैया एक चीज बताओ कि टोटल कितनी बटिया हैं? 50 बटिया चल रही हैं जो सिर्फ पूड़ी निकाल रही हैं। देसी घी में है बाबू जी, देसी घी में, देसी घी में बना है, बाबा का आशीर्वाद है कतई। ये देखो जी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल संदीप पाल द्वारका। और आज मैं आया हूँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम का जो है दरबार का आज पहला दिन है। और आज से जो भगवद गीता का जो पाठ होना है वो शुरू हो जाएगा और चलेगा 16 तारीख तक। तो आज पहले दिन कैसा है, क्या माहौल है यहाँ पे, कितना क्राउड आ रहा है, क्या व्यवस्था है, सारी चीज़ें मैं आज की इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। बाकी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और 16 तारीख का क्या क्या दिनचर्या है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। तो भाई अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो आपको जो आना है वो डिपो स्टेशन आना है एक्वा लाइन का, और गेट नंबर 1 से आपको बाहर निकलना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं लोग बाग भी निकल रहे हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि दिनचर्या क्या क्या रहेगी, तो भैया 9 जुलाई यानी कि कल से ये जो है स्टार्ट हो गया था। कल कलश यात्रा थी जो कि 8 बजे हो चुकी थी सुबह। उसके बाद क्या है कि कथा प्रवचन जो रहेगा 10 से 16 जुलाई तक रहेगा, शाम 4 बजे से प्रभु जी की इच्छा तक। और जो दिव्य दरबार लगना है वो 12 जुलाई को लगेगा, सुबह 10 बजे से प्रभु की इच्छा तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो इन डेट्स को आप थोड़ा सा अगर नोट कर लें अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं। तो भाई ये गेट नंबर 1 से निकलेंगे, और यहाँ से क्या है कि ये लोगों ने ना कुछ शॉर्टकट अपना बना दिया है। तो ये शॉर्टकट जाता है हमारा जहाँ पर ये कम्प्लीट जो है भंडारे की व्यवस्था करी हुई है। तो ये पूरा भंडारे की ये देखो यहाँ पे भीड़ भीड़ है, क्या है देखते हैं। बाकी आप मेन रोड से अभी आना चाहे तो मेन रोड से भी ऐसे जा सकते हैं, मेन रोड से होते हुए। बाकी हमने तो शॉर्टकट मार लिया है। तो भाई ये अभी पहला दिन है और अभी कथा भी शुरू नहीं हुई है, बट हालांकि सुबह से ही भंडारा चल रहा है। और भंडारे में एक मिनट दिखा देता हूँ क्या कुछ है। ये पूड़ियाँ, और पूड़ी के साथ यहाँ पे ये दे रहे हैं आलू की सब्जी है। तो सुबह से ही चल रहा है भंडारा, और आगे भी देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आलू की सब्जी और पूड़ी दे रहे हैं। देसी घी में है बाबू जी, देसी घी में, देसी घी में बना है, बाबा का आशीर्वाद है कतई। ये देखो जी। तो भाई हम भी थोड़ा सा दो पूड़ियाँ ले ही लेते हैं प्रसाद के रूप में। ये और यहाँ से 2 पूड़ियाँ। तो भाई हमने ले लिया प्रसाद, और एक बार चखते हैं प्रसाद वरसाद खा लिया। और वास्तव में पूड़ियाँ जो थी ना वो देसी घी में बनी हुई थी, और खाने में बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट था। खाना बोलूँ या प्रसाद बोलूँ, मतलब बहुत टेस्टी है। बाकी मैं आपके यहाँ ना किचन देख दिखाता हूँ कि कितने बड़े लेवल पे कितने सारे लोग मिल करके यहाँ पे खाना बना रहे हैं भक्तों के लिए। भाई ये किचन का एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे सारे हलवाई वगैरह बैठे हुए हैं और भट्टियाँ चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और है भैया जो ये सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। तो भैया एक चीज़ बताओ कि टोटल कितनी भट्टियाँ हैं? 50 बटियाँ चल रही हैं जो सिर्फ पूड़ी निकाल रही हैं, सिर्फ पूड़ी पूड़ी निकाल रही हैं। अच्छा सही, मतलब वहाँ पे जो सेवादार है बोल रहे थे कि देसी घी में बन रही है पूड़ियाँ, तो देसी घी में डालडा में रिफाइंड देसी घी में। चलो जी अच्छी बात है। और पीछे वो जो तिरपाल लगी हुई है वहाँ पे क्या बन रही है? सब्जियों का प्रोग्राम है वहाँ पे। अच्छा वहाँ पे सिर्फ सब्जियों का। तो भाई मैं ना आप लोगों को दिखाता हूँ कि वास्तव में कितने बड़े लेवल पे यहाँ देखो काम चल रहा है। गिनते रहो, मतलब मैं तो सिर्फ वीडियो में दिखाऊंगा, आप लोग गिनते रहो। कुछ चल रही हैं, कुछ लोग आराम कर रहे हैं, और ये देखो इस तरीके से बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में जो है आटा गूंदा जा रहा है। और ये देखो मतलब हाथ रुकने वाला नहीं है, और लोगों को किसी को भी भूखा नहीं जाने देना। ये देखो इतने सब ये लोग सेवादार लगे हुए हैं, और कुछ लोग सो रहे हैं अभी। ये देखो भाई पीछे तक है, मतलब वहाँ तक भट्टिया ही भट्टिया लगी हुई है। ये वाला सेक्शन है, और इसमें क्या है कंप्लीट है ना अभी सब्जी वब्जियों का सेक्शन है। और मैं 2 दिन पहले भी आकर के मैंने एक वीडियो डाली थी यहाँ पे। तो ये देखो भाई ये जो बड़ी बड़ी मैं उस दिन भट्टिया दिखा के गया था ना, ये देखो ये सारी भट्टियों में यहाँ पे सब्जियाँ ही बन रही हैं। यहाँ पे कितनी होगी सब्जी है, कितने कुंटल होगी? हाँ 12 कुंटल सब्जी, मतलब एक बार में कितने लोगों के लिए ये खप जाएगी एक बार? हाँ 2500 आदमी खा लेगा एक बार में। तो भाई ये देखो इतने बड़े लेवल पे काम चल रहा है। अच्छा सुबह से चल रहा है क्या भंडारा आज भाई? हैं सुबह 5 बजे से चल रहा है भाई? सुबह 5 बजे से चल रहा है भंडारा। हमारे साथ है ना महाराज जी है। हाँ जी भैया क्या नाम है आपका? प्रधान। प्रधान नाम है। तो भैया क्या क्या सब्जी बना रहे हो आप, क्या क्या बना रहे हो खाने में? बनने। अच्छा दाल बनने की है। अच्छा
रायता बनना है। अच्छा, खीर आलू बनने है। अच्छा बनना है। अच्छा, और मीठे में, मीठे में भी कुछ है? है? बूंदी है, बूंदी, राजस्थानी बूंदी। राजस्थानी बूंदी है। अच्छा, अभी बाहर जो आलू की पूड़ी और सब्जी चल रही है वो तो चलो अभी होगी, ये जो खाना बता रहे हैं रात के लिए? रात के लिए बनना। अच्छा ठीक है, तो कितने लोगों का है मतलब अभी? 1200-1500 आदमी की रात की व्यवस्था है। अच्छा, 1200-1500 लोगों की रात की व्यवस्था, जो रात को रुकेंगे जो भी है, जो रुक रहे हैं बाहर के। चलो जी बढ़िया है, ठीक है। बाकी ये देखो तो भाई, वो रहा सामने मेट्रो स्टेशन और ये लंगर हॉल था, और यहीं से लोगों ने शॉर्टकट बना दिया है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि आप घूम करके भी जा सकते हैं, तो ये मेन रोड पे आकर के निकल जाते हैं इस तरीके से। अगर आपको आना है तो आप ऐसे भी आ सकते हैं, बाकी शॉर्टकट तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ये लंगर हॉल से भी आ सकते हैं आप अंदर के साइड से। तो भाई आज ये देखो, आज है पहला दिन, और पहले दिन ही आपको मैं दिखाता हूँ ये देखो भीड़, और अभी कथा शुरू भी नहीं हुई है, स्पीकर बस अभी अभी स्टार्ट हुए हैं वो देखो, और अंदर तो बेहिसाब भीड़ मिलने वाली है आपको। तो भाई सिक्योरिटी से लेकर के ना, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये देखो पुलिस की भी यहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम पूरी है यहाँ पे, और फर्स्ट एड की पूरी टीम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे सामने एम्बुलेंस भी दिखाई देगी। तो सुविधाएं जो है पूरी पुख्ता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि किसी चीज़ की कोई मिसमैनेजमेंट यहाँ मेरे को नहीं लगता कि देखने को मिलेगी। ये देखो तो भाई, ये चरण पादुका स्थल बनाया हुआ है इन्होंने। हाँ तो भाई, ये हमारे को टोकन मिल गया, और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी यहाँ पे चीजें हैं, अभी जितना भी जूता घर में जूते देने हैं तो फ्री में मिल रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं भाई। कहने वाली बात है खालसा वाल से, ये देखो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, बाबा बंदा सिंह बहादुर और खालसा सेवा दल गुरुद्वारा खुर्जा चरण पादुका, मतलब कि ये सिख समुदाय है जो कि यहाँ पे चरण पादुका स्थल पे सेवादारी दे रहा है अपनी। और अगर आपसे है ना भंडारा मिस हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके के भी स्टॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी वहाँ पे भी आप देख ही रहे हो, तो अगर कुछ ब्रांडेड खाना है तो बीकानेर वालों का भी है, सिंगाल वालों का भी स्टॉल लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे समोसा 50 रुपये सिंगल पीस, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि छोले कुलचे वगैरह हैं, ब्रेड पकौड़े हैं, यहाँ पे चाउमीन है और ब्रेड पकौड़ा। कितने रुपये का ब्रेड पकौड़ा भैया? 10 रुपये का। भाई बहुत सस्ता दे रहे हैं, हम बहुत सस्ता दे रहे हैं, तुम भी सेवा ही कर रहे हो। और चाउमीन ये भी 10 रुपये पत्ता। चलो जी बढ़िया है, ठीक है। ये देखो भाई, मतलब लोग बाग के हैं ना, बाहर चप्पल जमा करना भूल गए, तो यहाँ पे देखो इतनी सारी चप्पल जूते इकट्ठे हो गए हैं, बिल्कुल गद्दा टाइप बना दिया इन्होंने। ये देखो ब्रांडेड जूते भी पड़े हैं, चलो जिसके भी है। ये देखो ये जैक एंड जॉन्स, मतलब सारे जूते चप्पल इस तरीके से यहाँ पे रखे हुए हैं। वो भी आप भी आ रहे हैं तो भैया बाहर ही आप जूते वूते जमा करा दें, मैं अगर अंदर नहीं लेके जाने देंगे किसी भी कीमत। तो भाई शोर शराबा शुरू हो गया, बाबा जी आ चुके हैं, ठीक है ना, और पब्लिक में एक बार दिखाता हूँ। ये देखो Thank you.
मतलब इतनी तादाद में भीड़ है ना, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। फर्स्ट टाइम टीवी में ही खाली इनके लिए देखता था कि इतनी तादाद में लोग बाग आते हैं, मगर आज फर्स्ट टाइम देखी है मैंने। और कुछ भी नहीं मेरे को जो लगता है कि भाई साहब कुछ भी नहीं, 8 से 10 लाख लोग यहाँ पे फर्स्ट डे देखने आए होंगे। बाकी आपको वीडियो देख करके आपको कैसा लगता है आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। तो गाइज आज की कथा हो चुकी है ख़त्म और मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने फर्स्ट टाइम ये कथा सुनी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की और मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बाकी वीडियो में आपको देख करके कैसा लगा आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। और अगर आप भी आए यहाँ पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यहाँ पे पहुँचें। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी करते हैं इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज। जय श्री राम, टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।